हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। नाउ वेलकम टू आवर क्लास ईवीएस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10, व्हाट इज कुकिंग। कुकिंग मींस खाना बनाना। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपको इसमें कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, उन डॉट्स में आपको कलर करने हैं। यू हैव टू कलर इन डॉट्स, देन यू विल फाइंड सम यूटेंसिल्स। जब आप सारे डॉट्स वाले पार्ट में कलर करोगे तो यू विल फाइंड सम यूटेंसिल्स। कढ़ाई, तवा, पॉट, पैन, कटचुल, स्पून, प्रेशर कुकर, सॉस, स्पैचुला। लुक एट दिस पिक्चर। आपको इस तरह से कलर करना है इसमें डॉट्स वाले पार्ट में। दिस इज योर एक्टिविटी, यू हैव टू डू इन योर बुक एंड यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स एंड राइट द नेम ऑफ यूटेंसिल्स इन बिलो। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम। व्हाट डू यू सी? आपको क्या क्या दिखेगा? कढ़ाई, तवा, मटका, सॉस, पैन, है ना? यू हैव टू राइट इन दिस पेज। ओके, नाउ इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग। इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीजें मिली। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग? आपके घर में और कोई यूटेंसिल्स यूज होता है? तो आपको इस ब्लैंक में लिखना है। यू हैव टू राइट yourself. What are utensils made of? Utensils किस चीज से बने होते हैं? बर्तन आपने अपने घर में देखे है ना, स्टील के, आयरन के, कॉपर के, ग्लास के, ब्रॉन्ज के, अर्दन पॉट्स, मिट्टी के, हर तरह के पॉट होते हैं। आज सम एल्डरली पीपल what kind of utensils were used earlier? आप अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड पा से पूछो कि उनके टाइम में किस तरह के utensils ज्यादा यूज होते थे, किस चीज के बने थे। ओके, नाउ कंप्लीट द टेबल। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। हम सारी चीजें खाते तो हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वी ईट रॉ, एंड कुछ ऐसी होती हैं जो हम कुक करके खाते हैं, कुछ हम कच्ची खाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं और उसको कुक करके भी खा सकते हैं। तो यू हैव टू फिल टेबल इन योर बुक। ओके, इट इन रॉ, कौन कौन सी चीज हम रॉ कच्ची खाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने यहाँ पे फोर लिखे। टमेटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज, टमाटर, गाजर, मूली और पत्ता गोभी। थिंग्स दैट आर इटन कुक, जो हम कुक करके खाते हैं। दाल, अब दाल कच्ची तो नहीं खा लोगे आप। राइस, चपाती, ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैगन। थिंग्स दैट आर इटन बोथ रॉ एंड कुक, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम कच्ची भी खाते हैं और कुछ को कुक करके भी खाते हैं। कैरेट सैलेड में भी खाते हैं, है ना, टमाटो भी खाते हैं और हम उसको की कुक भी करते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो कैरेट, टमाटो, ब्लैक ग्राम क्या होता है? काले चने। कैबेज हम रॉ भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं। ओके, नाउ हैव यू सीन ए चपाती बीइंग मेड इन द किचन? आपने कभी अपने किचन में मामा को चपाती बनाने में देखा? आपने कैसे बनाती है वो चपाती, बताओ आप। सबसे पहले मामा क्या करती है? फ्लोर लेती है, आटा लेती है, फिर उसमें वाटर डालती है, उसमें सॉल्ट डालती है और उनको अच्छी तरह नीडिंग डो बनाती है उनको अच्छी तरह, और फिर उस डो के छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं और फिर आपको उस बॉल्स को रोल किया जाता है और रोल करने के बाद क्या होता है, वो राउंड शेप आ जाती है चपाती की तरह। और फिर उसको क्या करती है मम्मी? तवे पे कुक करती है। और तवे को कहाँ पे रखते हैं? गैस पे। तो आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। काफी मम्मी को चपाती बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें कभी भी
फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. आप अपने किचन में जाओ और आप देखो और कोई चीज आप ऐसी आप खुद बनाओ और अपने क्लासमेट्स को बताओ. तो मैं क्या बना रही हूँ, राइस. टेक ए बाउल ऑफ राइस. मैंने थोड़े से राइस के ग्रेन्स लिए, वॉश इट विथ प्लेन वाटर. कुछ भी बनाओ आपको उसको वॉश तो करना चाहिए, है ना. टेक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पैन. एक पैन में मैंने 2-3 ग्लासेस वाटर लिया. ओके, और फिर वाटर में जब वाटर थोड़ा सा क्या होता है ना, हॉट हो जाता है, तो हम उसमें उस राइस ग्रेन्स को जो आपने वॉश किया उसको डालते हैं. उसके बाद उसको कवर कर देते हैं. कवर करने के बाद उसको वो मीडियम लो पे वो धीरे धीरे आपकी जो राइस है वो बनती रहती है ना. कुछ लोग तो पुलाव की तरह राइस को बनाते हैं, कुछ लोग सिंपल बॉयल करते हैं. जो सिंपल बॉयल करते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर होता है, तो उसके बाद उस वाटर को हमको ड्रेन करने लगता होता है. इस तरह से हमारा राइस रेडी हो जाता है, हम खाते हैं ना. नाउ हियर आर सम मेथड्स ऑफ कुकिंग. कुकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं. कुछ लोग बॉयल करके खाते हैं, कुछ रोस्ट करके खाते हैं, कुछ फ्राई करके, बेक करके. तो आपको थिंग्स के नाम लिखते हैं. रोस्ट करके क्या क्या खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, कॉर्न है, बॉयल करके तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, एग है, राइस है ना, पटैटो है. उसके बाद फ्राई करके भी हम पकौड़े, पूड़ी, समोसा, बहुत सारी चीज़ें है ना फ्राई करके खाते हैं. बेक करके, केक आप बेक करते हो है ना, ढोकला भी बेक करते हैं. स्टीम करके भी, भाप में भी मोमोज बनाते हैं. ग्रिल करके भी, फिश, पनीर. तो इस तरह से बहुत सारे कुकिंग के मेथड्स होते हैं और हम बहुत सारी जो हमारी फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कुक करते हैं और उसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं. नाउ वंस अगेन देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. रोस्टिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड कुक ऑल्सो. रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग, है ना. यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के आइटम्स लिखे हैं. आपको जो भी आइटम्स ईजी लिखे हैं यू हैव टू राइट इन योर बुक एंड नोटबुक. बेक, चपाती भी बेक ही होती है तवे पे, केक भी बेक करते हैं. स्टीम, आप इडली खाती है, मम्मी स्टीम करती है ना, इडली कुकर में बनाती है, ढोकला बनाती है. तो इस तरह से हम बहुत सारी फूड आइटम्स का अलग अलग मेथड से उनको कुक करके एंजॉय कर सकते हैं, है ना. नाउ हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ, किसी पिक्चर है, आप बताओ किसी पिक्चर से. ये हमारे ये कुछ तो जिसपे हम खाना बनाते हैं ना, उनकी पिक्चर्स है. जैसे चूल्हा, कोल स्टोव, गैस, सोलर कुकर, केरोसिन स्टोव, हीटर. तो आपको इन पिक्चर से इनको मैच करना है. फर्स्ट वाला चूल्हा, चूल्हे के लिए कौन सी चीज़ की नीड होती है ना. यहाँ थिंग्स के नेम लिखे हुए हैं, किस चीज़ की नीड होती है आपको उससे मैच करना है. ओनली इन योर बुक. चूल्हा, चूल्हे में किस चीज़ की जरूरत होती है, वुड, लकड़ी की जरूरत होती है. कोल स्टोव, कोल मीन्स कोयला. तो हम जब कोल वाला चूल्हा यूज़ करेंगे तो उसमें क्या जरूरत है, कोल. कोल से मैच करेंगे. कुकिंग गैस, गैस के लिए तो हमें गैस ही चाहिए, है ना. सोलर कुकर आपको पता है वो सनलाइट की नीड है उसके लिए. केरोसिन स्टोव में जो नीचे बॉक्स सा बन रहा है उसमें हमें ऑयल डालना पड़ता है, तभी हमारा ये केरोसिन स्टोव चलता है. हीटर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बिना लाइट के तो हीटर ही नहीं चलेगा. अगर हमारे पास गैस नहीं हुआ और लाइट भी नहीं रही और सिर्फ हीटर है हमारे पास कुछ कुक करने के लिए, तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर हीटर. ओके, नाउ सोप होल मूंग सीड्स ओवर नाइट इन वाटर. इन द मॉर्निंग रैप द सोप मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट. टेक इट आउट आफ्टर ए डे. आप रात को मूंग की सीड्स को वाटर में सोक करो. मॉर्निंग में उसका वाटर ड्रेन करके आप उसको किसी भी वेट क्लॉथ में उसको रैप करके रख दो. और नेक्स्ट डे आप देखो, आप क्या देखोगे कि मूंग सीड्स जर्मिनेट आफ्टर ए डे. मूंग में छोटे छोटे से है ना रूट से निकल आते हैं, वो स्प्राउट्स हो जाता है. और फिर हम इसका मजा कैसे ले सकते हैं, कुछ उसमें
स्लाइस्ड अनियंस, टमाटो, सॉल्ट, लेमन जूस ये हम उस मूंग में मिक्स करेंगे और खाएंगे। आप ऐसे बना के स्प्राउट्स लाना जब स्कूल आओगे और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। नाउ विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जिन्हें हमें कुक करने की नीड नहीं होती है और हम उसको बिना कुक किए बना लेते हैं। फर्स्ट आपकी बुक में है लेमन वाटर। लेमन वाटर की क्या ज़रूरत है बनाने में? थोड़ी सी चीज़ें, शुगर इन वाटर, एड लेमन जूस, स्ट्रेन इट और लेमन वाटर इज रेडी। ना इस तरह से मैंगो शेप भी बनाते हैं। कट मैंगो इंटू पीसेस, मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट करो, एड शुगर एंड मिल्क, मिक्स इट वेल इन मिक्सी एंड मैंगो शेक इज रेडी एंड यू एंजॉय। नाउ फ्रूट सैलेड, चॉप सम फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे फ्रूट्स को स्मॉल पीसेस पे फ्रूट्स को कट कर लो, है ना। इसको प्लेट भी लेके उस पर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल सॉल्ट, चाट मसाला, है ना, आप उस पर शुगर भी डाल सकते हैं, लेमन भी। और नाउ योर फ्रूट चाट इज रेडी। लस्सी, वाओ गर्मी में कितना मज़ा आता है लस्सी पीने में। टेक वन कप कर्ड, आपने मान लो एक कप कर्ड लिया, आपको एक कप में शुगर ऐड करना है, उसमें आइस को क्रश करनी है और उसको मिक्स वेल यूजिंग अ मिक्सर एंड देन योर कोल्ड लस्सी इज रेडी। समर में बहुत अच्छी लगती है ना लस्सी, टेस्टी टेस्टी। नाउ हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपको मैंने बताया ना कि यूटेंसिल्स बहुत तरह के होते हैं, है ना। फर्स्ट इज स्टील, ये स्टील के बर्तन हैं। सेकेंड में ग्लास के हैं, आयरन की कढ़ाई, नीचे एल्यूमिनियम के कुकर वगैरह, एल्यूमिनियम के। ये साइड में आपको दिख रहा है ना येलो कलर, ये आपके पीतल के बर्तन हैं। तो सब घर में, हर घर में हर तरह के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मिलते हैं। नाउ सम यूटेंसिल्स हैव वुडन और प्लास्टिक स्पैटुला। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनकी जो वुड की बनी हुई होती है, बिकॉज वुड डज नॉट गेट हीटेड अप वेरी फास्ट, क्योंकि जो वुड होता है बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, एंड वी कैन होल्ड आवर वेसल एंड कुक वेरी इजली। और हम फिर उस वुडन पार्ट को हम आसानी से होल्ड कर लेते हैं और वेरी इजली खाना कुक कर लेते हैं। आपके घर है ना ऐसे? नाउ सोलर कुकर, आपने सोलर कुकर देखा कभी? नहीं। नाउ देखो आप सोलर कुकर, सोलर कुकर में फूड कुक करने के लिए सनलाइट की जरूरत है, बट सनलाइट मेक्स द ग्लास हॉट। ये आपको ऊपर ग्लास दिख रही है ना कांच, और नीचे आपको टिफिन दिख रहे हैं, है ना, यूटेंसिल्स के। तो सनलाइट जो होती है वो ग्लास पे आती है, जिससे ग्लास हॉट गर्म हो जाती है ना सोलर कुकर में। और जो नीचे इनसाइड में फूड रखा हुआ है उस हीट से वो जो आपका फूड आइटम है वो धीरे धीरे कुक होता है। तो बट लेकिन कभी कभी आप सोचो कि अगर धूप ही नहीं निकलेगी, सनलाइट ही नहीं मिलेगी, फिर तो हमारा सोलर कुकर हम यूज़ ही नहीं कर सकते, हम खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो सोलर कुकर के लिए क्या चीज़ की चीज़ है? सनलाइट। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।